तो कैसे हो गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, कल हम ब्लॉग आधा ही शूट कर पाए थे क्योंकि कुछ वजह से मैं कुछ काम में था इसलिए। तो आज आपको मैं जितनी बिल्ली मोड़ के अंदर जितनी चीज़ें हैं दिखा सकूँ आपको उतनी दिखाता हूँ। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है अपने को। और कल का जो आधा शूट किया हुआ है वो मैं अभी इसमें रख देता हूँ। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं बिल्ली मोरा में ब्लूमून मोबाइल में माइक करने, ताकि हमारी वॉइस है जो बैकग्राउंड आवाज ना आए, इसीलिए वॉइस अच्छी तरह आए इसलिए। तो चले चलते हैं ब्लूमून मोबाइल पे। दोस्तों, अब ब्लूमून में माइक खरीदने गए थे लेकिन हमारे फोन में कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम उससे जरा आगे, ये प्रवीण भाई है मेरे बगल में, इनकी दुकान से हमने ये खरीदा है सेल्फी स्टिक। और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग सब होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट है, आप देख सकते हो, जो कि सिर्फ 350 रुपये का है। और इनकी दुकान दिखा देता हूँ, बिल्ली मोरा गौरबा कृष्णा डेयरी के सामने, ये ला रही है, ये इनकी दुकान है, ये सामने कृष्णा डेयरी है गौरबाग में। तो आपको भी चाहिए तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे लेने के लिए। तो ये अपनी बाइक है जो कि गैरेज पे रखा है, इसमें आप देख सकते हो, मैं गैरेज में इसलिए लाया गया है कि इसमें पेट्रोल लीक कर रहा है, इसलिए गैरेज पे लाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में। दोस्तों, हम अभी अपनी गाड़ी का पेट्रोल की टंकी धुलवाने आ चुके हैं यहाँ पे बिल्ली मोरा वागरेज रोड पे, जो कि नायरा पेट्रोल पंप और भारत पेट्रोल पंप के बीच में है। तो देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये हमारी पेट्रोल की टंकी है जिसमें जंग लग गया है इसलिए। गाइस, ये जय अम्बे वॉशिंग सेंटर के मालिक है जिसका नाम मोंटू भाई है। अगर आप भी अपनी गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, या रिक्शा है, या कोई भी चीज़ आपको धुलवानी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, मोंटू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे के व्यू में। अभी जो दोस्तों आपने दुकान देखी, ये बिल्ली मोरा का जंबो वड़ा पाव है जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे बटर वड़ा पाव और बटर दाबेली सिर्फ 10 रुपये में मिलते हैं। तो मैंने भी 3 वड़ा पाव खा के आया हूँ, वहाँ पे भीड़ थी इसलिए मैं नहीं ठीक से वीडियो बना सकूँगा वहाँ पे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे। दोस्तों, ये वड़ा पाव का जो एड्रेस है वो राधेश्याम मंदिर के बाजू में, कन्यासारा स्कूल के ठीक पहले, बिल्ली नाका 4 रास्ता। तो गाइस, अभी नाइट हो चुके है और तो हम आए अभी बिल्ली मोरा के बस डेपो पे, आप देख सकते हैं पूरा सुनसान है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है इसलिए। दोस्तों, नाइट में मैं आपको बिल्ली मोरा का जितना व्यू दिखा सकूँ उतना दिखाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी जो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये श्री ओडियाल काठियावाड़ी ढाबा है, देखिए ये बिल्डिंग है बड़ी बड़ी जो कि राजभोग की लाइन में। तो दोस्तों, रात के 10:30 बज चुके और हम बिल्ली मोरा के सोमनाथ महादेव मंदिर में आए दर्शन करने के लिए। देखिए, मंदिर बंद हो चुका है लेकिन फिर भी महादेव के दर्शन होते हैं। चलिए मैं भी आपको दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों, आपने दर्शन कर लिए होंगे, थोड़ा बहुत तो दिखे होंगे महादेव। तो चलिए मिलते हैं आगे की व्यू में। आपको नाइट में महादेव का दर्शन करते हुए कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, ये बिल्ली मोरा का
सबसे अच्छा और बड़ा मंदिर है सोमनाथ महादेव मंदिर, जिसपे मैं वीडियो बना चुका हूँ 2 से 3 बार। ये देखिए दोस्तों, देखिए नंदी महाराज हैं हमारे। नंदी महाराज इतनी रात को भी हमें महादेव के दर्शन करने मिले, बहुत अच्छी बात है। और महादेव के दर्शन करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है दिल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्यू में। दोस्तों इतनी रात को भी हमें बहुत ही खास भगवान के भी दर्शन हुए थे और आपको भी दर्शन होगा, आप जरूर देखिए। श्री हनुमान जी, ठीक है, जय श्री राम प्रभु। तो ये हनुमान जी का मंदिर भी सोमनाथ के अंदर ही बनाया गया है, तो आपको भी दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्यू में। ये बाहर से सोमनाथ मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों अभी ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये देसरा का ऊपर का ब्रिज है, देसरा फाटक का पहले नीचे, अब ब्रिज बन चुका है। तो ये जो मेरे पीछे रास्ता जाता है, वो तो आपको मैं वीडियो में बताया था, इस पर एक ब्लॉग बनाया हुआ है अलग से, उसमें आप जाके देख लेना। ये जो रास्ता जाता है ये बलसर वागरे तक जाता है। और गाइस अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये द हिंदू कपड़े की दुकान है और ये दास हॉस्पिटल के पास है। आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हो गुंजन इलेक्ट्रॉनिक, ये मेरे दोस्त के पापा की दुकान है। और ये सामने जो आपको दुकान खुली दिख रही है, वो प्रतीक कोल्ड ड्रिंक है। और ये अनोल जिम है, अनोल जिम इसके यहाँ पे अंडरग्राउंड में अनोल जिम है। तो चलिए मिलते हैं आगे की व्यू में। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये स्कूल है सारा लालचंद मोतीचंद मुख्य कुमार सारा, जिसमें मैं खुद पढ़ा हूँ, इसमें 8वीं तक इसमें पढ़ा हूँ। और मुझे स्कूल छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। देखिए ये मेरे सारा लालचंद, और इसके ठीक सामने ही गर्ल्स स्कूल है। इसका नाम कुछ और है लेकिन लोग इसे गर्ल्स स्कूल से बुलाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती है इसीलिए। गाइस आप ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये बिली नाका, अभी इसमें तालाब बन रहा है। और तालाब बन जाने के बाद कैसा लुक आता है, गार्डन बनता है अच्छी तरह, मैं आपको ज़रूर व्यू दिखाऊंगा। तब तक आप ये व्यू इन्जॉय कीजिए। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये सभी चीज़ मैं आपको नाइट में क्यों दिखा रहा हूँ पता है, क्योंकि दिन में इतना ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक में मेरा आवाज़ कम पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको दिन में अच्छी तरह वीडियो नहीं बना सकता। इसलिए मैं नाइट में आपको फिल्म हो रहा कि हर जितनी व्यू आपको दिखा सकता हूँ उसने दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय महाभारत, लव यू गुजरात, लव यू इंडिया, ऑल इंडिया।